मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित भगवान विश्वकर्मा के पूजा में शरीक हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता असरुद्दीन खान की ये खास रिपोर्ट। मैं आप सबसे क्यों कहना ये चाह रहा हूं, भगवान विश्वकर्मा जी की जब पूजा होती है तो यहां कोई भगवान विश्वकर्मा किसी एक जाति के नहीं है, पूरे दुनिया के हैं, पूरे देश के हैं, आपके भी हमारे भी सबके। उसी प्रकार और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मैं सभी मुंबई वासी, महाराष्ट्र वासी, उत्तर प्रदेश वासी और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। और 2019 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि 2014 में जैसे लोकसभा में हमें जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए मिली थी, लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो हमारे नंबर बढ़े हैं। उसी प्रकार से 2019 के विधानसभा चुनाव में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो मिलकर काम किया गया है उसके कारण महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत अब बढ़ेगी और बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। सर, आज महाराष्ट्र के सह प्रभारी बनते आए क्या, बाकी ये समझे जाए कि उत्तर भारतीय को वोट पाने के लिए भाजपा कदम उठा रही है? उत्तर भारतीय तो भाजपा के साथ है ही, भाजपा के सिवा कहीं और इधर उधर नहीं देख रहा है। सर, आज मुख्यमंत्री के काफिले पे कुछ लोगों ने मुर्गा फेंका, क्या कहना चाहिए? आज भगवान विश्वकर्मा जी के पूजा का दिन है, बोलिए भगवान विश्वकर्मा जी की जय। चलिए और जगह